आप सभी का ओजस इंडिया चैनल पर स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से निकलकर द्वारिका क्षेत्र में द्वारिका नगरी नामक एक शहर की स्थापना की थी, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि द्वारिका नष्ट हो गई? किसने किया द्वारिका को नष्ट? क्या प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गई द्वारिका? क्या किसी आसमानी ताकत ने नष्ट कर दिया द्वारिका को, या किसी समुद्री शक्ति ने उजाड़ दिया द्वारिका नगरी को? आखिर ऐसा क्या हो गया, द्वारिका नगरी नष्ट हो गई? चलो जानते हैं इस वीडियो में। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से निकलकर द्वारिका नगरी की स्थापना की थी। पुराणों में उल्लेख है कि यह द्वारिका नगरी गुजरात में कच्छ की खाड़ी के पास स्थित है। इस शहर के चारों ओर बहुत लंबी दीवार थी जिसमें कई द्वार थे। कई द्वारों का शहर होने के कारण इसका नाम द्वारिका पड़ा था। वह दीवार आज भी समुद्र के स्थल में स्थित है। भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक द्वारिका नगरी थी जो आज भी पानी में डूबी हुई है, लेकिन आज भी सैकड़ों फीट नीचे समुद्र में द्वारिका नगरी के अवशेष मिलते हैं। हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि जब हिमयुग खत्म होता है तब बर्फ के पिघलने से जो पानी समुद्र में आता है उससे समुद्र का जल स्तर बढ़ता है। अभी ऐसा कहते हैं कि मुंबई जैसे जितने भी शहर है समंदर के किनारे, उन्हें समंदर में डूबने का धोखा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी नष्ट होने के पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं। पुराणकार और इतिहासकार मानते हैं कि द्वारिका को भगवान श्री कृष्ण के देहांत के बाद जानबूझकर नष्ट कर दिया था। वह यह दौर था जबकि यादव लोग आपस में भयंकर तरीके से लड़ रहे थे। इसके अलावा जरासंघ और यवन लोग भी उनके घोर दुश्मन थे। ऐसे में द्वारिका पर समुद्र के मार्ग से भी आक्रमण हुआ और आसमानी मार्ग से भी आक्रमण किया गया। यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खुद श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया था। अंत में यादवों को उनके क्षेत्र को छोड़कर फिर से मथुरा और उसके आसपास शरण लेनी पड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, ये द्वारिका प्रेम नगरी तब तक रहेगी जब तक सत्य और सच्चा प्रेम रहेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे ओजस इंडिया चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, वो बाजू वाली बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।